बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कौन सी कौम थी जिस पर अल्लाह ताला ने 8 दिन और 7 रातें आंधी का सख्त अजाब नाजल किया? सही जवाब है हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद पर। क्या आपको मालूम है कि सबसे पहले मेहंदी का इस्तेमाल अल्लाह ताला के किस नबी ने किया? सही जवाब है सबसे पहले मेहंदी का इस्तेमाल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के दरमियान क्या रिश्ता है? सही जवाब है बाप शरीक भाई। कुरान मजीद की वो कौन सी सूरतें हैं जिनको कुरान मजीद का दरवाजा कहा जाता है? सही जवाब है हामीम वाली सूरतों को कुरान मजीद का दरवाजा कहा जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र में से किसको उम्र अता फरमाई और कितनी? सही जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र में से 40 साल दाऊद अलैहिस्सलाम को अता कर दिए थे। क्या आपको मालूम है कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम महशर की तरफ लोगों को कैसे बुलाएंगे? सही जवाब है हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूअर फूंकेंगे। क्या आपको मालूम है कि सहाबे कराम में सबसे पहले और सबसे बड़े मुफ्ती कौन हैं? सही जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो।